भारती हिंदी पाठमाला कक्षा 3। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक का पढ़ेंगे पाठ 9, घमंडी हाथी। और बच्चों, यह पंचतंत्र की एक कथा है। शब्दार्थ, शब्द अर्थ, परछाई। परछाई मीन्स होता है छाया या प्रतिबिंब। जंगल मीन्स वन। हार, हार का अर्थ होता है पराजय। असफल मींस कामयाब ना होना, फूला ना समाना, बहुत खुश होना। घमंड मींस अहंकार। बच्चों, अब देखिए घमंडी हाथी नामक इस पाठ का सारांश। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस कहानी में एक हाथी को नदी में अपनी परछाई देखकर घमंड हो जाता है कि मैं सबसे बड़ा जानवर हूँ और जंगल का राजा मुझे ही बनना चाहिए। घमंड करते हुए हाथी रास्ते में आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे लोमड़ी भालू मिलते हैं जो उससे डरकर भाग जाते हैं। फिर शेर मिलता है। हाथी उसे भी युद्ध के लिए ललकारता है और युद्ध में शेर को भी हरा देता है। अंत में हाथी को चींटी मिली। हाथी चींटी के सामने भी घमंड से बोलता है। चींटी उससे डरती नहीं है बल्कि उसकी सूंड के अंदर घुसकर काटने लगती है। हाथी चींटी से परेशान होकर हार मान लेता है। छोटी सी चींटी ने हाथी को हराकर उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इन शब्द परछाई, घमंड, तड़पना, सूंड, जंगल, दर्द, लोमड़ी। क, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट है इसमें हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था। और बच्चों, यह वाक्य सही है इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाया गया है। सेकंड, भालू हाथी से डरा नहीं बल्कि वह लड़ता रहा। और यह वाक्य रॉन्ग है क्योंकि भालू हाथी से डर गया था इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाया गया है। थर्ड, शेर ने हाथी का घमंड चूर चूर कर दिया। और यह वाक्य भी रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पर गलत का निशान लगाया गया है। ये सभी आपको अपनी बुक में करने हैं। उत्तर, ख, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाथी कहाँ रहता था? इसका उत्तर है सुंदर वन में। सेकंड, हाथी को पानी में क्या दिखाई दिया? इसका उत्तर है अपनी परछाई। थर्ड, सबसे पहले हाथी को कौन मिला? इसका उत्तर है लोमड़ी। फोर्थ, हाथी का घमंड किसने चूर चूर कर दिया? उत्तर है चींटी ने। प्रश्न है ग, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, हाथी ने अपनी परछाई देखकर क्या सोचा? इसका उत्तर है अपनी परछाई देखकर हाथी सोचने लगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है, मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। सेकंड, हाथी को रास्ते में कौन-कौन मिला? उत्तर है हाथी को रास्ते में लोमड़ी, भालू, शेर और चींटी मिले। क्वेश्चन है, चींटी ने हाथी को कैसे हराया? उत्तर, चींटी हाथी की सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तड़पने लगा। कोशिश करने पर भी वह चींटी को सूंड से बाहर ना निकाल पाया। इस तरह हाथी हार मान गया और चींटी बाहर निकल गई। अगला प्रश्न है, चींटी ने हाथी को क्या
सीख दी? इसका उत्तर है, चींटी ने हाथी को सीख दी कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। चिल्ड्रन, यहाँ जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इन सभी को आपको अच्छी प्रकार से याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।